नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे बबल्स के बारे में। आज हमारा सेकंड ट्रबल शूटिंग वीडियो है जो कि पेट प्रीफॉर्म पे हम बना रहे हैं ट्रबल शूटिंग का कंप्लीट कोर्स, उसका जो ये सेकेंड वीडियो है, हम बात करेंगे बबल्स पे। आखिर ये बबल क्या होते हैं, आपको मैं बबल की फोटोज दिखाता हूँ। पेट प्रीफॉर्म पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो पेट प्रीफॉर्म है इस पे दोस्तों क्या है कि आपको बबल्स दिख रहे होंगे कि किस तरीके से बबल्स जो है वो आ जाते हैं। जैसे पानी में आपने बबल देखे होंगे, हल्का हल्का बबल निकलता, वैसे उसी प्रकार कुछ उसी प्रकार आपके प्रोडक्ट पे भी बबल्स आ जाते हैं। तो उस पेट प्रीफॉर्म पे जो बबल आ जाते हैं वो किन कारणों से आते हैं और उनको कैसे ट्रबल शूट करते हैं, इसके बारे में हमारी ये वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो है, जो कि मेन रीज़न है बबल आ जाने का, वो है कि गैस और एयर इज एंट्रैप्ड इन द मेल्ट ड्यूरिंग द प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस ड्यू टू इनसफिशिएंट मेल्ट कंप्रेशन। क्या होता है कि गैस या एयर, मतलब कि या गैस या कोई जो एयर है वो आपके मेल्ट में, जब आपका मटेरियल मेल्ट कर रहा होता, प्लास्टिसाइज कर रहा होता, उस दौरान उसमें अगर कोई भी गैस एंट्रैप्ड हो गई, फंस गई, तो क्या होता है दोस्तों, वो बबल बना देगी आपके प्रोडक्ट पे। तो उसको हम कम करने के लिए किस तरीके से, जब आपका मटेरियल प्लास्टिसाइज होता है, ध्यान रखिए, जब आपका मटेरियल मेल्ट हुआ करता है उस दौरान मटेरियल आपस में कंप्रेस होता है, दैट मींस कि कंप्रेशन होता है, एक मटेरियल एक जगह ज़्यादा इकट्ठा होता प्रेशर से, तो कंप्रेस्ड होता रहता है। तो उस कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, उसमें अगर कोई भी गैस या एयर इंट्रैप्ड हो गई, फंस गई कंप्रेशन के कारण, तो क्या होता है दोस्तों, वो आपके प्रोडक्ट पे, सिंपल सी बात है, तो वो आपके प्रोडक्ट पे उसका असर दिखेगा, वो आपके प्रोडक्ट पे बबल बना देगा। तो उस बबल को ट्रबल शूट करते हैं, चलिए उसको ट्रबल शूट करते हैं। किन पॉइंट से हम रोक सकते हैं प्लास्टिसाइजिंग के टाइम, कि जब आपका मटेरियल प्लास्टिसाइज हो रहा है तो वहाँ पे एयर या गैस ट्रैप ना हो। सबसे पहला, इंक्रीज स्क्रू बैक प्रेशर। आपके जो मशीन पे जो बैक प्रेशर सेटिंग दी होती है दोस्तों, उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए। स्क्रू का बैक प्रेशर बढ़ने से स्क्रू ज़्यादा देर रोटेट होगा, जिससे कि वहाँ पे गैस या एयर बनने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, एडजस्ट स्क्रू बैक पोजिशन टू प्रोवाइड सफिशियंट कुशन। अब एडजस्ट स्क्रू बैक पोजिशन क्या होता है, दैट मीन्स कि आपको सेट करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपका स्क्रू जो है वो पीछे आता है, तो ये मान लीजिए कि एंड पॉइंट है। अब आपको सेट करना है कि आपका स्क्रू कितना पीछे है और आपको सफिशियंट कुशन दे के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कुशन जीरो छोड़ दिया, आपको 3 to 6 mm का मिनिमम कुशन तो आपको देके ही रखना है वहाँ पे, कि आप देके रखिए। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे मेल्ट जब आपका कंप्रेस होता है तो वहाँ पे गैस या एयर ट्रैप नहीं होगी। नेक्स्ट है, चेक फॉर प्लास्टिक ब्रिजिंग इन द एक्सट्रूडर फीड जोन, रिड्यूस द फीड। अब आपको पता है कि बैरल में कई जोन होते हैं, जैसे कि यह आपका सिंपल बैरल है, तो यहाँ पर आपको पता है एफ फॉर फीड जोन, कंप्रेशन जोन, ट्रांसिशन जोन, ऐसे करके कई जोन होते हैं। तो यहाँ पे जो फीड जोन होता है, फीड जोन के पास कई बार क्या होता है, ब्रिजिंग हो जाता है। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं वहाँ पे, एक साथ इकट्ठा होके वो ब्रिजिंग बना लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मटेरियल एक साथ इकट्ठा हो गया, तो ये ब्रिजिंग बन गया। तो अब ये मटेरियल जो है ये सॉलिड हो गया, कंपेरिजन टू अदर मटेरियल ये ज़्यादा हार्ड है। तो इस ब्रिजिंग को खत्म किया जाता है कि ये ब्रिजिंग ना बन पाए, यहाँ पे कोई मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाए। तो इसके लिए आपको जो आपका फीड जोन है, ये इसका टेम्परेचर हमेशा रिड्यूस करके रखना है, रिड्यूस मतलब कम करके रखना है, ताकि यहाँ पे दोस्तों ब्रिजिंग आपकी ना बन पाए। इसके लिए और भी मेथड्स, ऐसे थ्रोट कूलिंग वगैरह दी जाती है, जिसके कारण आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण हो सकता है। तो एयर इज ड्रॉन ड्यू टू एक्सेसिव डीकम्प्रेशन, कहते हैं एयर इज ड्रॉन इन ड्यू टू एक्सेसिव डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि डीकम्प्रेशन क्या होता है। अगर आपको डीकम्प्रेशन मिल जाए इंजेक्शन मोल्डिंग पे, तो इसका मतलब होता है सिंपल सा, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, जिसको हम कहते हैं सक बैक। कई मशीनों में डीकम्प्रेशन भी लिखा होगा, कई मशीनों में सक बैक भी लिखा होगा, तो इसको हमें समझना होता है। तो एयर इज ड्रॉन इन ड्यू टू एक्सेसिव डीकम्प्रेशन, मान लीजिए कि आपने एक्सेसिव सक बैक दे दिया, ज़्यादा सक बैक दे दिया, अब ज़्यादा एक साथ वो पीछे आ रहा है अगर आपका स्क्रू, तो क्या होगा, आगे जगह खाली होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर जो है वो
जब जगह कोई भी चीज़ जब ज़्यादा एरिया, अगर मान लीजिए पहले कंप्रेस था, आपने सक बैक दे दिया, अब कंप्रेस चीज़ जब पीछे गई तो यहाँ पे थोड़ा जगह खाली हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एयर जो है वो इकट्ठा हो गई, थोड़ा एयर इकट्ठा होगी, फिर जब इंजेक्शन होगा तो आपके प्रोडक्ट पे बबल बना देगी। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सही कर सकते हैं। सिंपल सी बात, रिड्यूस डिकम्प्रेशन, सक बैक, स्ट्रोक एंड टाइम। कहने का मतलब कि जो आपका सक बैक होता है, जो आपका स्क्रू जब पीछे आता है, तो उसका स्ट्रोक जो कि एमएम में होता है उसको कम करिए, और सक बैक टाइम जो कि सेकंड में होता है उसको आप कम कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट है, वो जिसके कारण जो है हमको बबल देखने को मिलता है, वो है प्री मैच्योर मेल्टिंग ऑफ द रेसिन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सट्रूडर फीड जोन टेम्परेचर। That means कि premature melting, premature मतलब क्या होता है, premature melting मतलब कि अगर आपका material मान लीजिए इस जोन पे melt होना चाहिए पूरा या इस जोन पे होना चाहिए, लेकिन वो prematurely जहां से आपका material feed होता है वहां temperature ज़्यादा है और वो वहीं melt हो जा रहा है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इसको सही कैसे करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर जो है आपको कम करके रखना है। फीड जोन का टेम्परेचर जब आप कम करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बबल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इतने पॉइंट्स हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, आप जाइए मशीन पर करिए और आसानी से आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को थोड़ा बारीकी से समझ के। तो दोस्तों अब इसके आगे जो है हमारी वीडियोस आ ही रही हैं ट्रबल शूटिंग के, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, प्लास्टोटेक ऐप डाउनलोड करिए, www.plastotech.in पे चलिए, वहाँ पे आप हमारा जो कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ साथ में यूट्यूब वाला हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब और बेल की घंटी दबा के जुड़े रहिए ताकि आप हर चीज़ से अपडेट रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।